जय माई की। साधना में साधकों को साधना के अनुभवों के प्रति आकर्षण होना एक सहज बात होती है और होना भी चाहिए। जैसे व्यवहारिक पक्ष में हम देखते हैं कि जब हम पानी पीते हैं तो प्यास शांत हो जाती है, भोजन करते हैं तो भूख शांत हो जाती है, स्नान करते हैं तो मन को शरीर को हल्का महसूस होने लगता है। तो इसी तरह से साधकों को भी लगता है कि जब ये साधना कर रहे हैं तो उस साधना के कुछ अनुभव भी उनके जीवन में होना चाहिए। तो अनुभवों के आधार पर साधकों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ऐसे साधक हैं जो साधना करते हैं और उन्हें अनुभव भी होते हैं, एक ऐसे हैं कि जो साधना करते हैं लेकिन उन्हें कोई अनुभव नहीं होता, और एक इस तरह के साधक हैं जो साधना करते हैं उन्हें अनुभव होते हैं लेकिन कुछ समय के बाद अनुभव होना बंद हो जाते हैं, फिर वे बड़े निराश होते हैं। उनको लगता है कि अभी तो अनुभव हो रहे थे, अब अनुभव नहीं हो रहे। तो ये जो अनुभवों की बात है, इस पूरी बात को समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि अनुभव किस तरह के होते हैं। तो अनुभव में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो साधकों को लगता है कि उनको आसपास एक सुगंध आ रही है, वे साधना कर रहे हैं तो आसपास उन्हें एक सुगंध महसूस होती है, उनको सुगंध महसूस होने लगती है, कभी कभी किसी को दुर्गंध भी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा वातावरण दुर्गंध से भर गया है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सुगंध से पूरा वातावरण भर गया है। कोई विशेष ध्वनि आवाज उन्हें सुनाई देने लगती है, ऐसा लगता है कि कोई विशेष ध्वनि उनके कानों में पड़ रही हो, वो ध्वनि किसी पायल की, किसी घुंघरू की झनकार हो सकती है, खनक हो सकती है, कोई आहट हो सकती है, इस तरह का उन्हें कोई भी ध्वनि सुनाई देती है, इस तरह की ध्वनि से संबंधित अनुभव उनको होते हैं। कुछ शरीरी अनुभव भी होते हैं, शरीर से संबंधित अनुभव, जैसे शरीर पर चींटियों की तरह कोई रेंग रहा है, अंगों का फड़कना, शरीर का ठंडा या गर्म होना, इस तरह से कुछ शरीर से संबंधित बहुत सारे अनुभव हैं जो साधकों को होते हैं। कुछ साधकों को ऐसे कोई अनुभव नहीं होते लेकिन जब वे साधना कर रहे होते हैं तो उन्हें शांति महसूस होती है, वे अपने आप को शांत अनुभव करते हैं, ये भी एक तरह का अनुभव है। कुछ साधकों को ऐसे साक्षात अनुभव नहीं होते लेकिन स्वप्न में अनुभव होते हैं, स्वप्न में उन्हें माई का दर्शन होता है, या कुछ बहुत तरह की अनुभव उनके जीवन में ऐसे भी अनुभव आते हैं कि वे जो स्वप्न में देखते हैं वही कुछ दिनों में सत्य होने लगता है। तो ऐसे भी अनुभव साधकों के हैं। साधकों के काम बन रहे हैं या बिगड़ रहे हैं ये भी साधक अनुभवों में ही मानते हैं कि हम साधना कर रहे हैं और हमारे काम बनते चले जा रहे हैं या हमारे काम बिगड़ रहे हैं। तो इस तरह की भी जो बातें हैं वे सब अनुभव के ही अंतर्गत आती हैं। कुछ साधकों को जागृत अवस्था में जागते हुए बहुत से दृश्य दिखाई देने लगते हैं, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं, देवता या इष्ट देवता उनसे बात करने लगते हैं, इस तरह के भी अनुभव साधकों के होते हैं। परंतु अब प्रश्न यह उठता है कि ये सभी अनुभव होते कैसे हैं, इन सभी अनुभवों के होने के पीछे कारण क्या है। तो कारण को समझने के लिए हमें समझना होगा कि मंत्र साधना आखिर कार्य किस तरह से करती है। मंत्र साधना मंत्र और मन के संयोग से हम साधक अपने अंतर में, अपनी अंतर की गहराइयों में, अपने अंदर की गहराइयों में उतरते हैं। मंत्र और मन के संयोग से मन की गहराइयों में उतरने का नाम ही आध्यात्म अध्यात्म साधना है। इसको कुछ इस तरह से समझते हैं, जैसे अगर आपको कोई कुआ खोद करके मीठा पानी पीना है तो जब आप कुएं को खोदते हैं तो सबसे पहले जो मिट्टी बाहर निकलती है वो मलवा होती है जो समय के साथ उस भूमि पर पड़ा हुआ है। समय के साथ धीरे धीरे उस मलबे की परतें जमा होती गईं। तो जब आप कुआ खोदते हैं तो सबसे पहले वो मलबा बाहर निकलता है, फिर वो मिट्टी बाहर निकलती है जो पुरानी मिट्टी है, पहले से पड़ी हुई है। फिर जब आप उस मिट्टी को भी खोदते जाते हैं तो बहुत जब आप गहराई में पहुंचते हैं तब आपको मीठा जल प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जब साधक
साधना करता है और वो मंत्र के माध्यम से साधना करते हुए अपने अंदर की गहराइयों में उतरता है, तो उसके संस्कारों की पड़ी हुई जो परतें हैं उनका सामना ही सबसे पहले उससे होता है। ये संस्कार की परतें क्या है? उसके जीवन के अच्छे बुरे, खट्टे मीठे, सुख दुख के अनुभव, कुछ ऐसी यादें, कुछ ऐसे अनुभव जो कड़वे भी हैं, जो मीठे भी हैं, जो बुरे भी हैं, जो अच्छे भी हैं, जो कष्ट देने वाले भी हैं और जो सुख पहुंचाने वाले भी हैं। कभी कभी साधकों के साथ ऐसा भी सुनने में आता है, कुछ साधक ऐसा भी बोलते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो अचानक से ही हमारी काम वासना की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, वासनाएं हमारे अंदर से बढ़ने लगती हैं, उस तरह की इच्छाएं बढ़ जाती हैं, उस तरह के विचार बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि समय के साथ आपने बहुत सारी इस तरह का वासना का मलबा दबा करके रखा हुआ है, और जब साधना के माध्यम से उस मार्ग से होकर के गुजरते हैं तो उनसे आपका परिचय होना, उनका आपके अनुभव में आना स्वाभाविक हो जाता है। तो इस तरह से जब आप साधना करते हैं तो संस्कारों की परतों से, जो पुरानी आपके संस्कार हैं उनसे ही आपका सबसे पहले सामना होता है। उसके बाद जब आप उससे गुजर करके बहुत नीचे जाते हैं तभी आपको सिद्धि का मीठा जल प्राप्त होता है। इसमें एक अवस्था का और ध्यान रखना चाहिए कि कुछ साधक साधना करते हैं लेकिन उनकी मन की शांति उन्हें प्राप्त नहीं होती, उनकी अशांति और ज्यादा बढ़ती है, क्लेश और ज्यादा बढ़ते हैं, समस्याएं और ज्यादा बढ़ती हैं। यह सब किस वजह से होता है? यह सब इस वजह से होता है कि जब आप साधना करते हो तो साधना करते समय आपके अंतर में एक ऊर्जा का प्रवाह तीव्र गति से विकसित हो रहा होता है और उस प्रवाह को आप जो दिशा दे देते हैं उस दिशा में वह प्रवाह मुड़ जाता है। जब आप अशांत चित्त हो करके, क्लेश युक्त हो करके, दुखी हो करके, परेशान हो करके, अधिकांश व्यक्ति दुखी और परेशानी में ही साधना करते हैं, इस तरह की मन के साथ, अशांत मन के साथ, दुखी मन के साथ साधना में बैठते हैं और फिर साधना आरंभ करते हैं, आप आनंद के साथ, शांति के साथ साधना नहीं करते, तो जो ऊर्जा साधना से आपको प्राप्त हो रही है वो अशांति की दिशा में ही आपको और ज्यादा भरने लगती है। इसके विपरीत अगर आप शांत चित्त होकर के आनंद के साथ साधना करते हैं तो वही ऊर्जा आपको आनंद से भी भरने लगती है। तो अगर इस तरह का आपके जीवन में हो रहा है तो सावधानी की आवश्यकता है कि आपको शांत चित्त होकर के आनंदमय, आनंद के साथ आपको साधना करने की जरूरत होती है। अब अगर आप साधना कर रहे हैं और आपको शांति का अनुभव हो रहा है तो भी आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कहीं ये वैसी शांति तो नहीं है जैसी शांति व्यक्ति को उस समय प्राप्त होती है अगर वो बहुत ज्यादा थकान से भरा हुआ हो और उसे कोई वृक्ष की छांव मिल जाए तो उस छांव में बैठ करके उसे शांति प्राप्त होने लगती है। तो कभी कभी आप बहुत सारे सांसारिकताओं में फंस करके परेशान हो जाते हैं और जब आप साधना में बैठते हैं तो आपको शांति महसूस होने लगती है, लेकिन यह शांति वास्तविक शांति नहीं है, यह वातावरण और परिस्थिति जन्य शांति है कि आप अभी किसी और परिस्थिति में थे, अब आपने थोड़ी सी और अपनी परिस्थिति चेंज की, बदलाव किया उसमें, तो आपको शांति का अनुभव होने लगा। इस शांति को आध्यात्मिक शांति का अनुभव नहीं कह सकते। तो फिर आध्यात्मिक अनुभव कौन से होते हैं? प्रश्न यह सबसे महत्वपूर्ण है। इतनी चर्चा के बाद आपके मन में भी यह प्रश्न आ रहा होगा, तो फिर आध्यात्मिक अनुभव आखिर हैं कौन से? आध्यात्मिक अनुभवों को समझने के लिए आपको साधक की तीन अवस्थाओं को समझना जरूरी है। पहली अवस्था साधक की होती है द्वैत अवस्था। इस अवस्था में जब साधक साधना प्रारंभ करता है तो उसके मन में भाव होता है कि एक तो साधक है और एक उसकी माँ है, भगवती है, जिसकी वह साधना कर रहा है, वो जगत जननी है, वो शक्ति है जिसकी वो साधना कर रहा है, एक साधक स्वयं, एक भक्त, एक भगवान, एक भगवती और एक साधक स्वयं, इस तरह के दो भाव से
वो होकर के गुजरता है, तो इसको द्वैत भाव कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उसकी साधना आगे बढ़ती है, तब उसे यह एहसास होने लगता है कि वह बाहर तो कहीं शायद है नहीं, लेकिन सबसे पहले वो अंदर है। बाहर भी हो सकती है, लेकिन सबसे पहले वह अंदर है। उसे लगता है कि वो भगवती अंदर से ही प्रकट होती है, अंदर से ही बोलती है, अंदर से ही बताती है, अंदर से ही अनुभव कराती है। हमारे अंदर ही से ही वो हमें बताती है, समझाती है। ज्ञान अंदर से ही प्रकट होता है, जो भगवती के माध्यम से होता है। अंदर से ही वह भगवती चैतन्य स्वरूपा होकर के हमें चैतन्य रखती है। तो जब उसको ये अनुभव होता है, उसको ये लगता है कि हमारे अंदर भगवती व्याप्त है, तो वह साधक स्वयं होता है और उसके अंदर भगवती का फिर वह अनुभव करता है, माई का अनुभव करता है। तो फिर इस अवस्था को द्वैताद्वैत अवस्था कहते हैं। साधक अद्वैत भी है क्योंकि उसी के अंदर है माँ, वो ऐसे अनुभव कर रहा है, और द्वैत भी है क्योंकि साधक भी है और उसके अंदर माँ भी है। तो इस अवस्था को द्वैताद्वैत अवस्था कहते हैं। लेकिन जैसे ही इस अवस्था से वह साधक आगे जाता है, तो वह उस स्थिति में पहुंच जाता है जिस स्थिति में बड़े बड़े महापुरुष, संत, महात्मा, गुरुजन, परमहंस रहे हैं। वह उस स्थिति में पहुंच जाता है कि जब साधक स्वयं लुप्त हो जाता है, घुल जाता है, समाप्त हो जाता है, और केवल भगवती ही उसके अंदर से झलकती हुई दिखाई देती है, महकती हुई दिखाई देती है, खनकती हुई दिखाई देती है, चमकती हुई दिखाई देती है। इस अवस्था को कहा जाता है, बहुत से संतों ने कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना ही, प्रेम गली अति साकरी या मैं दो न समाए। जब साधक स्वयं था, तब उसे ये लगता है कि शायद उसने भगवती को प्राप्त नहीं किया था। अब जैसे ही वह लुप्त हो गया है, तो भगवती के अलावा, माँ के अलावा उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। ऐसे साधक बिरले होते हैं। लेकिन जब ऐसे साधक देखने में, जैसे ऐसे साधकों का जब दर्शन होता है, तो ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में ही बैठे हो। उनके नेत्रों में उतनी ही असीम करुणा होती है जैसी जगत जननी के नेत्रों में करुणा होती है। संसार के प्रति उनका वैसा ही करुणा का भाव होता है जैसा माँ का अपनी संतानों के प्रति भाव होता है। परंतु यह अवस्था बड़ी दूर की वस्तु है। यह अवस्था परमहंसों की अवस्था है। यह अवस्था उन युग पुरुषों की अवस्था हुई है जिन्हें हम महापुरुषों के नाम से जानते हैं। तो इस अवस्था को ही अद्वैत अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था में जो अनुभोक्ता है, जो अनुभव करने वाला व्यक्ति है, वह समाप्त हो जाता है। तो जब अनुभोक्ता ही समाप्त हो जाता है, तो अनुभव कैसे रह सकते हैं? फिर उन अनुभवों का भी कोई मूल्य नहीं रहता, कोई अनुभव रहते ही नहीं है, क्योंकि उन अनुभवों को भोगने वाला ही समाप्त हो चुका है। तो उस तरह का कोई अनुभव नहीं है, इसलिए उन्हें कोई अनुभव नहीं होता और किसी अनुभव की उन्हें आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन अब ये अवस्था वो अवस्था नहीं है कि प्रारंभ में ही साधक को अनुभव नहीं हो रहे हैं। साधना के प्रारंभ में ही अगर साधक को अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो उसे थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रकृति उन्हें उन नए अनुभवों से भरना चाहती है जैसे अनुभव किसी के नहीं। लेकिन साधक ने कहीं से कह सुन करके, पढ़ करके अपने आप को पूर्वाग्रह से भर रखा है। उसको लगता है कि ऐसे ही अनुभव, जैसे ये जो अनुभव हमने सुने हैं, पढ़े हैं, देखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, वैसे ही अनुभव हमें हमारी साधना में भी होने चाहिए। तो वह अपने पूर्वाग्रह को लेकर के ही साधना कर रहा है। उसे लगता है वैसे अनुभव होंगे तभी वो अनुभव है, अन्यथा कोई अनुभव नहीं है। और भगवती जो प्रकृति स्वरूपा है, वो उसे बहुत सारे नए अनुभवों को प्रदान करके भरना चाहती है। तो इस तरह की मानसिकता से ग्रसित होने की वजह से वह अपने वास्तविक अनुभवों को प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए उसे कोई अनुभव नहीं होते। इसमें उसे सचेत रहने की आवश्यकता है, समर्पित रहने की आवश्यकता है, पूर्वाग्रह से मुक्त होने की आवश्यकता है। जहां तक साधना में कार्य बनना और बिगड़ने की बात है, तो साधना साधना होती है, ये कोई व्यापार नहीं होता। साधना में साधक समर्पित होकर के माँ के प्रति अपने प्रेम को
समर्पित करते हुए उनके चरणों में समर्पित हो जाता है। फिर जैसा भगवती का प्रसाद उसे प्राप्त होता है उसमें अपने आप को आनंदित महसूस करता है। वो कोई इस तरह का आग्रह नहीं पालता कि नहीं हमारे ये काम बनने ही चाहिए क्योंकि मैं साधना कर रहा हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ। तो साधना साधना की तरह होती है, ये व्यापार नहीं होती, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप अपनी साधना को कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको वास्तविक साधना के अनुभव प्राप्त हो सकते हैं और आप भी उसी अद्वैत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं जो साधना का परम लक्ष्य होता है। जय माई की।